माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी कैबिनेट और समस्त अधिकारी, आप सबको एक आम आदमी का नमस्कार। आज मैं आपसे करोड़ों जनता की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। सिस्टम ने लोगों को कैच करने के सारे फंडे लगा लिए। कुछ भी गड़बड़ करो पकड़ लेता है। जीएसटी लेट हुआ तो फाइन, टीडीएस लेट हुआ तो फाइन, प्लास्टिक यूज किया तो फाइन, कोई फॉर्म लेट से जमा किया तो फाइन, सिग्नल पार किया इतना फाइन, ट्रैफिक रूल तोड़े इतना फाइन, कभी कभी तो गाड़ी की कीमत से ज्यादा फाइन। मैं इस डेयर डेविल डिसीजन के लिए आपको बधाई देता हूं, क्योंकि भारत की जनता इसके बिना सुधरती नहीं। सिस्टम पब्लिक को कैच करने के पूरे तरीके बना रहा है और वो सफल भी होता जा रहा है, और पब्लिक के रूप में मैं आपके साथ। लेकिन मैच में दोनों पक्षों को बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। हम चाहते हैं आप थोड़ी सी पावर आम जनता को भी दो, ताकि आम जनता भी सिस्टम को कैच करे। रोड में गड्ढे हों तो हम रोड निर्माण अधिकारियों को फाइन लगा सकें। कहीं हमने कोई एप्लीकेशन आवेदन कुछ दिया, उसको हैंडल करने में देरी हो तो उस डिपार्टमेंट को फाइन लग सके। अपराधियों को पकड़ने में देरी हो तो पुलिस पे फाइन लग सके। और मोदी जी, एक भी किस्सा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी या तेलगी जैसा हो जाए तो मोदी तेलगी इनको तो जम के फाइन लगे, लेकिन जितने लोग उस सिस्टम में इन्वॉल्व थे अब उन सबको भी जम के फाइन लगे। क्योंकि केक जब कटता है तो वो सब में बंटता है, तो एक दो अधिकारियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, पूरे के पूरे सिस्टम पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आम जनता की तरफ से आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, और बिलीव मी, ये एकदम पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी आप इसको नेगेटिव मत लीजिए। पूरा सिस्टम कहीं भी इसको नेगेटिव मत ले, चाहे सिस्टम जीते चाहे जनता जीते, इस मैच में जीतेगा तो भारत, और आप और हम दोनों भारत को जितवाना चाहते हैं। तो हमें कुछ पावर दे दीजिए कि कोई भी काम करने की मैक्सिमम समय सीमा क्या है, ताकि लोग ये जो चक्कर लगाते रहते हैं इनको समझ में ही नहीं आ पाता कि मैक्सिमम समय सीमा क्या है। कुछ कुछ विभाग में तो ये हो गया है, लेकिन देश के अधिकांश विभागों में आप ये करवा दीजिए कि कोई प्रोजेक्ट पूरा करने की मैक्सिमम समय सीमा क्या है, कोई सर्टिफिकेट लेने देने की मैक्सिमम समय सीमा क्या है, स्कूल में रिजल्ट देने की मैक्सिमम समय सीमा क्या है, पुल बनने की मैक्सिमम समय सीमा क्या है। एक बार आप सारे डिपार्टमेंट में समय सीमा करवा दीजिए, ताकि जनता अलर्ट हो सके और जनता पूछ सके कि ये काम अब तक क्यों नहीं। एक आप हमको ईमेल आईडी दे दीजिए, हम उस ईमेल आईडी में देश में होने वाले हर करप्शन और हर गलत बात की खबर भेज सके। आप हमको एक टोल फ्री नंबर दे दीजिए, ताकि देश के गांव में रहने वाला आदमी भी फोन लगा के लंबी देर तक बात करके भी अपना किस्सा सुना सके, भले वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या मजबूत। नहीं तो आप वो नायक पिक्चर में अनिल कपूर का जो हेलो सीएम चलता था, उस सीन को आप देख लीजिए कि कोई एक हॉटलाइन पर आप फोन लगा सके। हेलो, बोलिए। हाँ, मैंने एक दिन सचा मुख्यमंत्री साहब से बोले थे। हाँ कहिए। जो कुछ भी नहीं जानता, जो ईमेल भी नहीं जानता, जो टोल फ्री भी नहीं जानता, जो एड्रेस लिख के कुरियर कैसे करूं, डॉक्यूमेंट कैसे करूं, उससे घबराता है, उसके लिए हर शहर में पब्लिक प्लेस पे एक बक्सा लगवा दीजिए, जिसमें वो आके डाल सकें। फिर मैं आपको नायक के अनिल कपूर की तरह ले जाता हूं, जो एक चौक पे बक्से को इनॉग्रेट करता है और लोग उस बक्से को भर देते हैं। आप में पावर है, आप ये कर सकते हैं। यदि हो सके तो एक छोटी सी लिबर्टी दे दीजिए कि हम बिना अपना नाम पता और फोन नंबर डाले भी शिकायत कर सकते, क्योंकि वो डालने के बाद ये लोग बहुत तकलीफ खड़ी करते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो बिना आइडेंटिटी के यदि आप हमको कहीं कंप्लेंट करने का मौका दे सकें तो हम और ज्यादा खुल के करेंगे। चलिए आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि जो लोग नाम और आइडेंटिटी के साथ भेजेंगे उनका आवेदन पहले हैंडल होगा और बाकी का आवेदन बाद में हैंडल होगा। लेकिन आप हमको इतनी सी पावर दे दीजिए कि पूरे भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह पता हो कि उनके साथ कुछ गलत होने पे एग्जैक्टली किस जगह सुनवाई होगी और किस जगह ठोस कार्रवाई होगी। आप वहां पर कुछ ईमानदार लोगों को बिठा दीजिए, जिनकी रग रग में नस नस में ईमानदारी भरी हो, और फिर देखिए मोदी जी इस मैच में क्या मजा आता है। एक मैच खेलते हैं 2-3 साल का, जिसमें जनता अपनी बॉलिंग करेगी और सिस्टम अपनी बॉलिंग करेगा, और कोई भी मैच जीते विश्वास कीजिए भारत जीत जाएगा और वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। मैं आपका दोस्त, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, भारत की करोड़ों जनता की ओर से ये छोटी सी अपील लेके एक बार आप हमको भी एम्पावर करते।